बचत को भविष्य का सुख कहा जाता है। यानी बचत करना हर इंसान के जीवन में बेहद आवश्यक और जरूरी होता है। बचत के लिए लोग तरह तरह के जुगत अपनाते हैं। पहले के दौर में पिगी बैंक में सिक्के या नोट जमा कर बचत करते थे। आज दौर बदल गया है। इंसान जहां सुरक्षा और फायदा हो ऐसी जगह बचत करना चाहता है। अगर आप भी बचत के लिए किसी माध्यम की तलाश कर रहे हैं तो आप भारतीय डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलकर बेहतर भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। आइए हम आपको बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में बचत खाता कैसे खुलेगा, क्या क्या दस्तावेज देने होंगे। पोस्ट ऑफिस स्कीम सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न का जरिया है। इसमें हर आय और आयु वर्ग के लोग बचत और निवेश के लिए उपलब्ध योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस पर आपको बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसी सुविधा ही मिलती है। भारतीय डाक विभाग के उप डाकपाल गणपत पटेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पोस्ट ऑफिस में अभी सेविंग अकाउंट खोलते हैं। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए 10 साल से माइनर भी खोल सकते हैं, मेजर एडल्ट भी खोल सकते हैं। अगर 10 साल से ऊपर है तो माइनर थ्रू सेल्फ 10 से 18 साल के बीच में माइनर थ्रू सेल्फ खोल सकते हैं। 18 साल से ऊपर रहे तो खुद अपने नाम से खोल सकते हैं खाता। उसमें खाता खोलने के लिए बेसिकली इसमें आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और 3 फोटो चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड, ये काम आ जाएंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी उसमें भी आते हैं, वो काम आ जाएंगे। हाँ, एक फॉर्म मिलेगा हमारे यहाँ, तो फॉर्म पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगता है उसके लिए। और खाता जैसे खुलवाते हैं तो शुरुआती दौर में कितने पैसा लगते हैं और कितने जमा होते हैं? सेविंग अकाउंट के लिए है जो खाता, उसमें मिनिमम 500 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम कोई भी उसका लिमिट नहीं है, मिनिमम 500 से ही खाता खुलेंगे। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस जो है ना, इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हर गांव में पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है। पोस्ट ऑफिस हर 2-3 गांव मिलकर एक पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़े डाकघर है, यहीं का डाकघर है, तो इसका नेटवर्क बहुत है। और पब्लिक के लिए, सामान्य आम जन पब्लिक के लिए, आजकल पोस्टमैन घर बैठे, उनके पास हैंड डिवाइस दिए हैं, तो घर बैठे पैसे निकाल सकते हैं। तो जो बैंक रहती है उसको आम पब्लिक को पैसे निकालना या जमा करने के लिए 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो चीज़ इसमें नहीं लगता है। पोस्ट ऑफिस में खाते हैं तो पोस्टमैन अपने घर द्वार तक भी जा सकते हैं और वहाँ से पैसा निकालते हैं या फिर जमा करते हैं, तो फाइनेंशियली एक अच्छा चीज़ होता है ग्रामीण इलाका में।